们主题。रोड पे 140 क्रॉस कर दे रहा भाई, तुरंत टाइम नहीं लग रहा है क्रॉस करने में। जब आप 17 या 18 bhp पावर का बाइक चलाओगे और अचानक से 40 अबव का, क्योंकि R15 आती है 155cc 17 bhp पावर के साथ, और इसका देखो भाई रॉयल इनफील्ड का GT650 650cc का इंजन है, तो भाई जाहिर सी बात है पावर कितना मिलेगा मेरे को। और आप सभी का दिल से धन्यवाद, मेरा YouTube पे 1k सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुकी है, और जल्दी आप लोग वॉच टाइम भी कंप्लीट करवा दो। और ये रही अपनी सेक्सी R15M। ओह साउंड सुनो गाइस इसकी, एक आरपीएम का कांटा, ये वाला जो है ना स्पीड मीटर, इसका क्रेज अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, ये अलग ही लेवल का फील देता है। वो स्पीड वाला तो जिसमें नंबर काउंट होता है वो उतना मज़ा नहीं आता जितना कांटा वाला लगता है, जो ऐसे से ऐसे होता है ना क्या फील देता है। देखिए पता ही जहर, लगता है एक रॉकेट का इंजन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे अब होगा स्पीड टेस्ट, देखो कितना ले जा पाते हैं यहाँ पे, क्योंकि हर बार हम यहाँ पे आप आके अपना टॉप स्पीड टेस्ट खेलते हैं। ये कार डिस्टर्ब कर दी अपने को, ये तो 150 प्लस क्रॉस हुआ ही था। अभी अभिनव की बाइक नागिन डांस करते हुए आई है, देखा कितना ज़्यादा बबल किया था, अगर थोड़ा सा और बबल होता तो रोड को चुम्मी लेते हुए आगे जस्ट रोड पे फ्लैट हो जाता। इतना ज़्यादा बबल भाई, GT में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम है बबल का, कभी इसका हैंडल बबल करता है कभी इसका टायर बबल करता है। हम अभिनव के पीछे रहते हैं, हमेशा देखते हैं ये बबल होते रहता है, डर भी लगा रहता है हमेशा कि कहीं कुछ हो ना जाए।
अगर बबल से बचना है तो बढ़िया टायर लगाना बहुत ज़रूरी है। रॉयल इनफील्ड में बहुत ही ज़्यादा ये प्रॉब्लम आ रहा है।